आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप क्यों इतनी अच्छी स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को डाल रहे हैं, क्यों, ऐसी कौन सी चीज है जो आप अपने बच्चे के अंदर देखना चाहते हैं और इसीलिए आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, कौन कौन से आपके पेरेंटिंग गोल है। हो सकता है मेरा पेरेंटिंग गोल है कि मैं मेरे बच्चे को सबसे ज्यादा क्रिएटिव बनाना चाहता हूँ, हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल उसकी उतनी पावरफुल बनाना चाहता हूँ कि वो किसी को भी अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाए, कॉन्फिडेंट मैं उसको बनाना चाहता हूँ, ट्रूथनेस मुझे चाहिए, हेल्पिंग नेचर चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए, रिस्पेक्ट मुझे दे, पूरे जो भी बड़े लोग हैं उनको सम्मान दे, उसके लिए मैं उसके परवरिश कर रहा हूँ, या मुझे उसको ओपन माइंडेड बनाना है। क्या है आपका पेरेंटिंग गोल, क्या है आप उसको कैसा बनाना चाहते हैं, कौन सी क्वालिटी आपको अपने बच्चे के अंदर चाहिए, जल्दी कौन सी क्वालिटी चाहिए। यस मैम, ओके, आप एक अच्छा उसको ह्यूमन बींग बनाना चाहते हैं, ओके वेरी गुड, देन आफ्टर गुड सिटीजन आप बनाना चाहते हैं, ओके देन आफ्टर एक अच्छा आदमी, वेरी गुड, लेकिन इसकी कौन सी क्वालिटी, अच्छा आदमी बनने के लिए कोई क्वालिटी तो चाहिए कि नहीं चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, ओके देन आफ्टर ओपन माइंडेडनेस चाहिए, ट्रूथनेस चाहिए, वेरी गुड, देन आफ्टर ऑनेस्टी, ओके वेरी गुड, देन आफ्टर ये सही बात है, सर्वगुण संपन्न चाहिए, है कि नहीं। लेकिन ये सारी की सारी क्वालिटी कोई एक बच्चे के अंदर मुमकिन, हमारे अंदर ही नहीं है तो उसके अंदर तो नहीं हो सकती। लेकिन माय क्वेश्चन इज कि ये सारी की सारी क्वालिटी कोई एक बच्चे के अंदर मुमकिन है, एंड वो बच्चा आपका हो सकता है, यस हो सकता है। एंड अल्टीमेट में यदि वो कहूं कि आपका बच्चा ऑलरेडी ये सारी क्वालिटियों के साथ फुल्ली लोडेड वर्जन आया हुआ था, तो लेट अस स्टार्ट विथ क्रिएटिविटी। जब आपका बेटा या बेटी 6 महीने से लेके 1.5 साल के बीच में था तो वो कुछ वैसा कुछ इनोवेटिव करना चाहता था, चाहे वो बोल नहीं पाता था लेकिन वैसा कुछ कर रहा था जो शायद हमारे दिमाग में कभी भी नहीं आया था। उसके अंदर ऐसे ऐसे नए नए आइडियाज आते थे जो कई बार हमें लगता था कि यार मैं 40 का हूं, अब तक मेरे अंदर ये विचार क्यों नहीं आया और इसने ऐसा कैसे सोच लिया। मींस वो उस समय पे 100% क्रिएटिव था, यस और नो। इस क्रिएटिविटी को आप कितने मार्क्स देने चाहेंगे, 0, 50 या 100? 100। एंड आफ्टर कम्युनिकेशन स्किल, उसके पास लैंग्वेज नहीं था, उसके पास लैंग्वेज नहीं था फिर भी उसका कम्युनिकेशन स्किल उतना पावरफुल था, उतना पावरफुल था कि आप दुनिया भर का टेंशन लेके ऑफिस से घर पे आ रहे थे, बॉस ने आपको डांटा या आपने किसी एम्प्लॉय को डांटा, किसी ने गाड़ी ठोका, कुछ भी हुआ, अब पूरी दुनिया भर का टेंशन लेके घर पे आते हो, जैसे ही दरवाजा खोलते हो एंड घर के अंदर एंटर होते हो एंड वो बच्चा आपके साथ जैसे ही स्माइल से कम्युनिकेट करना शुरू करता है, पूरी दुनिया का टेंशन गायब हो जाता है। मींस उसके पास लैंग्वेज नहीं थी फिर भी उसका कम्युनिकेशन स्किल उतना पावरफुल था। उस कम्युनिकेशन स्किल को आप कितने मार्क्स देंगे, 0, 50 या 100? 100। एंड आफ्टर आता है कॉन्फिडेंस। इतना कॉन्फिडेंट था बच्चा कि वो छिपकली को पकड़ना चाहता था, आग के अंदर हाथ डालना चाहता था, कुत्ते को देख के हमारी फटती है एंड वो कुत्ते के मुंह में हाथ डालना चाहता था, उसकी दुम खींचता था, कॉकरोच छिपकली किसी भी चीज से वो डरता नहीं था। मींस उसके अंदर हर एक बात के लिए क्या था, कॉन्फिडेंस। उसके उस कॉन्फिडेंस को आप कितने मार्क्स देंगे, 0, 50 या 100? 100। देन आफ्टर आता है ट्रूथनेस। इतना सच्चा था कि झूठ क्या उसको पता ही नहीं था, इसलिए उसने आपके काफी सारे पोले खोली भी होंगी, है कि नहीं। काफी सारी पोले आपकी खोली होंगी लेकिन जिस दिन आपने उसको समझाया कि बेटा झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, उसको पता चला आइला झूठ भी होता है, एंड उस दिन से उसको पता चला कि हाँ यार मम्मी ये जो करती है या मम्मी ये जो बोलती है, पापा ये जो बोलते हैं फोन पे, इसको झूठ बोलते हैं। मैंने तब तक उसको पता ही नहीं था, 100% सच्चाई थी, ट्रूथनेस थी। उसको आप कितने मार्क्स देने चाहेंगे, 0, 50 या 100? 100। देन आफ्टर आता है इतना रिस्पेक्ट कि वो छोटे बच्चे को कोई चॉकलेट ऑफर करता है
तो चॉकलेट देखने से पहले वो मम्मी की ओर देखता था, और इतना रिस्पेक्ट, इससे तो ज्यादा क्या रिस्पेक्ट हो सकता है कि यदि कोई आके उसको बोले कि ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, तो उसके साथ में लड़ता था, झगड़ता था, रोता था, है कि नहीं, कि ये तेरे मम्मी पापा नहीं, ये सिर्फ मेरे मम्मी पापा है, ये किसी और के हो ही नहीं सकते, इससे ज्यादा क्या रिस्पेक्ट हो सकता है। उस रिस्पेक्ट को आप कितने मार्क्स देंगे? 100। एंड दूसरी एक बात, आज वो सिचुएशन है कि आज कोई आके उसको बोले कि ये मेरे मम्मी पापा है, बोलेगा ले जा, ले जा जल्दी से, कल लेता है तो आज लेके जा, ले जा ले जा जल्दी से ले जा। लेकिन उस समय पे तो वो हमको 100% रिस्पेक्ट देता था। देन आफ्टर आता है ओपन माइंडेडनेस, कुछ भी आप सिखाते थे वो सीखने के लिए 100% उसका माइंड ओपन रखता था। कुछ भी आप उसको एडवाइस देते थे, कुछ भी सिखाते थे, कुछ भी समझाते थे, तो वो सारी की सारी उसकी तैयारी थी, एंड वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर रहता था, मेंटली प्रिपेयर रहता था कि मेरे मम्मी मेरे पापा के पास से मुझे कुछ सीखना है। मींस उसके अंदर ओपन माइंडेडनेस जो थी, उसको आप कितने मार्क्स देंगे? मुझे सबकी आवाज सही गई, कितने मार्क्स देंगे? मींस वॉट, ये सारी की सारी क्वालिटी कोई एक बच्चे के अंदर पॉसिबल है, और वो बच्चा आप सबका था। लेकिन आज आज उसमें से एक भी क्वालिटी जिसको मैं 100% मार्क देना चाहूं, तो मुझे ढूंढनी पड़ेगी कि यार मैं क्रिएटिविटी को दूं, या कॉन्फिडेंस को दूं, या कम्युनिकेशन को दूं, या क्या करूं। और यदि आप रात को घर पे जाके सोचेंगे कि मैं किस किस को 100% मार्क्स दूं, तो शायद रात को आप आज रोएंगे कि मैंने मेरे बच्चे के साथ क्या कर दिया। आज मैं चाहता हूं कि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए, वो सच बोलना सीख ले। इतनी पावरफुल हमारी पेरेंटिंग सिस्टम है।